ग्वालियर के हजीरा सब्जी मंडी में बने जा रहे नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने भूमि पूजन किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता सुनील शर्मा ने लगातार इस मुद्दे को लेकर ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम स्थल को घेरने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने सुनील को कार्यक्रम स्थल के गेट के बाहर ही रोक दिया है। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री द्वारा सब्जी मंडी में नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन किया गया तो कार्यक्रम के दौरान सुनील शर्मा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विरोध करने पहुंच गए, जिसके बाद यहां पर मौजूद पुलिस प्रशासन की टीम ने सुनील शर्मा को कार्यस्थल के गेट पर ही बाहर रोक दिया, जहां उन्होंने कार्यक्रम स्थल के गेट पर ही धरना दिया है और कहा कि हजीरा मंडी को जानकर बेजान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की यहां कोई भी जरूरत नहीं है। जो दुकानदार सब्जी मंडी से विस्थापित हुए हैं, जिनका रोजगार छिना है, उनकी सुनवाई की जाए। कांग्रेस नेता के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी तादाद में लोग भी वहां पर पहुंचे। हालांकि पुलिस मेन गेट पर ही सुनील शर्मा और उनके समर्थकों को रोक दिया। वहीं कांग्रेस नेता ने प्रदेश सरकार को व्यापारियों को मदद पहुंचाने का आरोप लगाया है। एक करोड़ 65 लाख की लागत से इन दुकानों का निर्माण होगा। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर बनेगा, कुछ दुकानें बनेंगी, वाचनालय बनेगा और इसके ये यहाँ पे बनाने का प्रोग्राम है, जिससे इसमें वहाँ पे वो दुकानदार जो दुकानें टूट गई थी कुछ साल पहले वो भी स्थापित हो पाएंगे और जो हमारे सब्जी मंडी के लोग वहाँ पे दुकान चला रहे हैं, इनके बच्चे परिवार के लोग अगर दुकानें चलाना चाहेंगे तो उन लोगों को भी जो मार्केट जो सरकारी रेट है उसके अनुरूप उनको भी दुकानें मिलेंगी। हमने ये कहा कि आप अडानी अंबानी की सरकार में पहुंच गए हैं, ये गरीबों को मत उजाड़ो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, बिना किया मैंने, गरीब की आत्मा मत चुकाओ, गरीब के पेट पे लात मत मारो। उन्होंने बात को सुना लेकिन मुझे लग रहा है कि उनकी अडानी अंबानी की जो सरकार है, जो पूंजीपतियों की सरकार है, वो उन पे हावी है।